नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं और लाइव सिटीज़ अब आपको लगातार टॉपर से अपने चैनल के थ्रू मिलवा रहा है। और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं बिहार में सेकंड रैंक पर आने वाली मैट्रिक की परीक्षा में सानिया कुमारी से। सानिया कुमारी नवादा के एक मिठाई दुकानदार की बेटी हैं। उनके पिता मिठाइयाँ बेचते हैं, लेकिन आज उनके घर में वो अपनी ही बनाई हुई मिठाइयाँ अपनी बेटी की खुशी में अब सारे लोगों को खिला रहे हैं, क्योंकि बेटी ने नाम इस तरीके से रोशन किया है। पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में दूसरे स्थान पर आने में सफल हुई हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि वो उनके परिवार क्या कुछ कह रहे हैं, सानिया कुमारी सेकेंड रैंक लाकर कितनी खुश है, और उसके बाद आगे की जानकारी आपको फिर बताते हैं। तुम इस मुकाम पे पहुंची हो, पूरे बिहार में सेकंड लाई हो, किनके बदौलत, मम्मी या पापा करते हो? दोनों का इंसान। क्या करना चाहती हो आगे तुम? मेडिकल की तैयारी करना चाहती। फुल कॉन्फिडेंस के साथ? यस। कोचिंग कहाँ कर रही थी? अमरेश सर के पास। अमरेश सर, क्या नाम है तुम्हारा कोचिंग सेंटर का? राज कोचिंग सेंटर। कब से कर रही थी वहाँ क्लास? वहाँ 7th क्लास से पढ़ रही हूँ। अब अपने नंबर से संतुष्ट? हाँ हाँ, मैथ में मुझे कम लग रहा है। भैया आप बताइए, आपकी बेटी पूरे बिहार में टॉप की है, कैसा लग रहा है आपको अभी? मुझे भी तो अच्छा लग रहा है। क्या आप बेटी को आगे आप पढ़ाना चाह रही हैं? सोच रहे हैं, बच्ची अगर चाहेगी तो हम करवाएंगे। क्या करवाना चाहते? जो इसका इच्छा हो वो हम करवाएंगे, बेटी के मन मुताबिक ही करना। अभी आपको कैसा लग रहा है बेटी जो पूरे बिहार में टॉप की है? अभी तो बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से सानिया कुमारी अपने इस मैट्रिक की परीक्षा को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट थी कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी वो बेशक रंग लाने ही वाली थी। मैथ्स में 4 नंबर कमाने को लेकर बेशक नाराज जरूर है, क्योंकि उनका कहना है कि 100 के 100 नंबर आने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से परीक्षा में उनका प्रदर्शन रहा, उनकी मेहनत साफ साफ उनके मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि पूरे बिहार में सेकंड रैंक लाने में वो सफल साबित हो चुकी हैं। 486 मार्क्स उन्हें मिले हैं, और मैथ्स में जैसा कि उनकी खुद की शिकायत है कि 4 नंबर कम रह गए, 100 में से 96 मार्क्स लाने में वो सफल हुई हैं। लेकिन उनके परिवार वालों की खुशी भी साफ नज़र आ रही है। पिता जो हैं वो मिठाई बेचने का काम करते हैं। आपको बता दें कि नवादा के रजौरी बाज़ार में मिठाई की दुकान है उनके पिता उदय प्रसाद की, और आज वो अपनी बेटी की रैंक की खुशी में हर किसी को मिठाई खिला रहे हैं। क्योंकि कितना परिश्रम होता है ऐसे प्रोफेशंस में ज़िंदगी का, अपने बच्चों को पढ़ाने का कितना संघर्ष होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना जहाँ मुश्किल हो जाता है, वैसे में एडुकेशन अपने आप में एक लग्जरी की चीज़ बन जाती है। शिक्षा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में बच्चे जब मेहनत करते हैं और इस तरीके से मेहनत का फल भी दिखता है, ऐसे में माँ बाप का खुशी से गदगद हो जाना, खुशी से उनकी आंखें नम हो जाना जाहिर सी बात है। और ये साफ सानिया कुमारी के माता पिता की तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से बेटी के सेकंड रैंक लाने से पूरे बिहार में सेकंड रैंक उनकी बेटी लेकर आई है, और पूरे परिवार की क्या खुशी है, क्या खुशी का माहौल है, वो कुछ सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो मिठाइयाँ वो बना कर दूसरों को खिलाते रहते थे, आज अपनी बेटी के लिए उसकी रैंक की खुशी में हर किसी को खिला रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि बेटी बिहार में सेकंड आ गई, उसके बाद भी अपने नंबरों को लेकर शिकायत पड़ी अड़ी है। ये साफ दिखाता है कि मेहनत कितनी ज़्यादा की होगी, और उसका जो फल है वो भी उन्हें बखूबी मिला है। पूरे बिहार में सेकंड रैंक पर आई हैं और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। लाइव सिटीज़ के जरिए अब आपको बाकी के टॉपर से भी मिलवाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।